Если сейчас зазовет из меня, я очень внимательно смотрю вопрос, что это как могло бы. Допустим, вас хотели через дары, мы теперь выделили Yashwantrao Chavan, Pratishthan, Писали, Сати, Войну, Войю. И сад вас озарит, Yashwantrao Chavan, Pratishthan, Писали, Yashwant अंतर्राष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव आयोजित करने का शायद आपने पढ़ा होगा कि कल से नेशनल फेस्टिवल शुरू है और इसके साथ साथ पिछले कई सालों से यहाँ भी ये कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय प्रतिष्ठान ने लिया और दुनिया की अच्छी फिल्म इस माध्यम से दिखाने के लिए यहाँ हमेशा कोशिश होती है। दुनिया की कई लैंग्वेजेस की फिल्म यहाँ आती है और मुझे खुशी है कि इस क्षेत्र में दिलचस्पी लेने वाला जानने वाला एक वर्ग ये फिल्म देखने के लिए यहाँ आता है और जो दुनिया में चित्रपट क्षेत्र में जो बदलाव आ गए हैं वो समझने के लिए वो कोशिश कुछ करते हैं। मैं कुछ ज़्यादा बोलने के लिए आपके सामने खड़ा नहीं मगर आज जिनका दौरा यहाँ किया गया है पंकज कपूर इनके बारे में मैंने ज़्यादा कोई कहने की आवश्यकता नहीं इनके परिचय भी देने की आवश्यकता नहीं मगर मुझे याद है कि महात्मा गांधी के बारे में जो एक दुनिया में मशहूर हुई फिल्म रिचर्ड एटनबरो ने निकाली थी इसमें गांधी जी के सेकंड सेक्रेटरी फेरेला इनका रोल उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से किया था और इससे भी ज़्यादा एक बात मेरे मन में है दूसरी है कि गांधी जी के ऊपर जो फिल्म बनाई इसका हिंदी वर्जन करने का काम भी किया गया और वो हिंदी वर्षन में जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पंकज कपूर जी ने गांधी जी का आवाज़ देने की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी तो वो किसी दिनों में वो हिंदी फिल्म देखी होगी एक तो महात्मा गांधी का बोलने का तरीका उनका आवाज़ ये कोई आसान बात नहीं थी मगर वो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से वहाँ की थी महाराष्ट्र में या भारत में फिल्म क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है आप बाहर का जो पुराने 100 साल का फिल्म सेक्टर में जो बदलाव आ रहा है इसका एक छोटा एग्जीबिशन है कोई एग्जीबिशन देखने के बाद आपको पता लगेगा कि कैसे बदल इस सभी क्षेत्र में आ रहे हैं कई अलग अलग किस्म की फिल्म होती है मैं तो कोई ज़्यादा फिल्म देखने वाला या ना मुझे मौका मिलता है ना मैं देखता हूँ मगर कुछ फिल्म देखने के बाद एक बात पक्की मन में आती है कि इतनी अच्छी कलाकृति अपने देश में मुंबई शहर में अपने राज्य में करने वाले कई अच्छे कलाकार हैं कि जिनकी फिल्म आपको एक कुछ ना कुछ एक तरह की चेतना देती है मुझे याद है कि शाम लेने की कई फिल्म आप में से कई लोगों ने इसका स्वीकार किया पसंद भी की मैं शाम लेनेकर श्वेता पाटिल नसरुद्दीन झा शबान आजमी या ओमपुरी जिनका देहांत इसी हफ्ते में हो गया ये ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने आर्ट के बारे में एक नया स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करने के लिए वो कामयाब हो गए और जिनका स्वीकार पूरे देश में बहुत बड़ी दर किया इनमें से कुछ फिल्म अभी अर्ध सत्य फिल्म देखने के बाद मुझे तो मैं खुद ही कोई संकट में फंसा हूँ या गलत काम मैंने जिंदगी में किया है
इस तरह की भावना मेरे मन में आई थी वो फिल्म रखने के बाद। ये फिल्म ऐसी फिल्म है कि किसी भी आदमी को एक तरह से सोचने की एक स्थिति पैदा करने का काम ऐसी फिल्म के माध्यम से होते हैं। और ऐसी फिल्म तैयार करने वाले कई अच्छे लोग अपने देश में हो गए, आज भी हैं। डॉक्टर जवाहर सुचेत पुरी इसके साथीदार हैं। और इसीलिए चाहे यहाँ कुछ होता है, मराठी में होता है, कन्नड़ी में होता है, तमिल में होता है, उड़िया में होता है, असम में होता है या बंगाल में होता है, ये सभी एक भाषा में जो अच्छी तरह की फिल्म आती है वो दिखाने का मौका इस फेस्टिवल के माध्यम से मिलता है। और साथ साथ दुनिया के अन्य देशों में जो इसी क्षेत्र में जो परिवर्तन आ रहा है वो भी देखने का एक मौका इस फेस्टिवल के माध्यम से हम लोगों को यहाँ मिलता है। और इसलिए मुझे खुशी है कि इसकी आज शुरुआत हो रही है। डॉक्टर जवाहर सचिन साहब ने कहा आपको कि कितनी फिल्म यहाँ दिखाई जाएगी, और मुझे विश्वास है मुंबई के एक क्षेत्र में जो लोग पसंद करने वाला वर्ग है इसका यहाँ स्वागत करेंगे, इसमें शामिल होंगे, और जो कुछ एक अच्छी तरह से इस क्षेत्र में काम हो रहा है इसका स्वागत करने में आप सब लोग इसमें शामिल होंगे, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैं कोई ज़्यादा समय आपको नहीं देना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि ये फेस्टिवल जो कुछ फिल्म आपको दिखाई जाएगी ये आपको मनपसंद आएगी। आपको इस तरह सा फेस्टिवल आयोजित करने का काम जो यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान के माध्यम से किया वो एक ठीक कार्यक्रम यहाँ से होता है, इसका विश्वास आप लोगों को होगा, यही कहके मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।